तो हमारे सामने एक बंदा था, हमारे साइड में एक बंदा था, मतलब बंदे ही बंदे थे। और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है जिसे मैं बहुत आराम से नॉक करता हूँ, और मेरे साथ देखो क्या सीन होता है। तो इस तो आ गए आप लोग, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिटी जाऊं, मतलब मैं जाना चाहता था जॉर्जो पुल। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्लान ये रहेगा कि तुम पहले सिटी उतरो, फिर उसके बाद जॉर्जो पुल की तरफ देखो, क्योंकि कोई ना कोई लंगूर तुम्हें कंटेनर के ऊपर उछलता हुआ दिखेगा। तो मैंने यही सोचा क्यों ना पहले सिटी उतरा जाए। लेकिन यहाँ पर एक बंदा था जो व्हीकल लेके जा रहा था। तो यार यहाँ वाले बंदे से मुझे कैनेडियन साइड मिल जाती है, और तुम्हें पता है इस लास्ट अपडेट में कैनेडियन साइड तुम्हारे हिसाब से कैसा है यार? और यार मेरे को कैनेडियन साइड इतना अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना कमाल का नहीं है। खैर एनीवेज ये अपडेट है, ये हर अपडेट के बाद बुरा होते जाते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, उसी से मुझे पता चलता है मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो यार गाड़ी लेकर मैं आराम से यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक आध बंदा मेरे से नॉक ही हो जाएगा। तो तुम सोच रहे होगे यहाँ पे मैं थोड़ी देर गाड़ी में क्यों रुका हुआ हूँ। नहीं नहीं, मैं एग्जिट बटन भूल नहीं गया हूँ, मैं बस देख रहा था कि कितने बंदे यहाँ पर है। तो मैं कैनेडियन साइड का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर। और यार मेरा जूम बटन ना यार कई बार मुझे मिलता ही नहीं है, मतलब स्कोप बटन मुझे मिलता ही नहीं है। तो यार कैनेडियन साइड का मैं इस्तेमाल करना चाहता था यार, और मैंने किया भी, नॉक भी कर दिया, बंदे का ध्यान कहीं और था, नहीं तो मेरे को अब तक मैं फिनिश कर देता। और ऊपर एक बंदा है और एक नीचे बंदा है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो बंदा रिवाइव देने के लिए आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ क्या पता वो नॉक हो जाए बम से, मतलब मर जाए दोनों ही। लेकिन नहीं मरते यार, दो दो बम मेरे वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर दो बम मैं फेंकने की कोशिश करता हूँ, क्या पता यार नॉक हो जाए। लेकिन यहाँ पर बंदा नॉक नहीं होता है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पोजीशन हमेशा बदलते रहो। तो यार जिन लोगों को जॉर्जो पुल में फ़ाइट करना नहीं आता, मैं उनको यही एक सलाह दूंगा कि अगर आप प्रो हो तो यार जॉर्जो पुल उतरो, लेकिन अगर नहीं हो तो सबसे पहले सिटी उतरो। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे पर रश करता है, तो यहाँ पर जो बंदा रिवाइव हो चुका उसको मैं फिनिश कर देता हूँ, मतलब नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदा और मेरे पे रश कर रहा होता, उसी का टीममेट होता है, तो मैं उसको भी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो दोनों ही एक साथ फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि एक ही टीम के थे, ठीक है। तो दोनों ही फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अच्छे टीममेट की तरह अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा था, इस्तेमाल नहीं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीछे एक रिवाइव देने के लिए है। तो यहाँ पर मैं आराम से पीछे उसका जाता हूँ, और मुझे ये बंदा तो लग रहा था कि हम अकेले हैं, तो यार जोन भी आ जाता है, तो हमारे को जल्द से जल्द गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा। तो यार जब तक हम गाड़ी ले रहे हैं तब तक मैं अपनी वो लाइन बोल दूँ, तो जल्दी जल्दी चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये करना तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो यार जल्दी से हम यहाँ पर गाड़ी लेके निकलते हैं। और हाँ यार, जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि जोन पड़ ही चुका था। वो तो अच्छा है कि जोन ताकतवर नहीं था, नहीं तो अब तक तो हम फिनिश हो जाते हैं। लेकिन इस बात पे मेरे को एक बात का बुरा लगता है कि हम जॉर्जो पुल नहीं जा पाते, क्योंकि यार देखो जोन आ रहा था और जॉर्जो पुल जाना इस वक्त पे बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे मैं और मेरे टीममेट चले जाते हैं, और यार देखना जब मैं जहाँ पे मेरा पेट्रोल ख़त्म होता है, मतलब इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे इतने सारे बॉट्स थे, मुझे लग रहा था पबजी वालों ने भेजा है मेरा कॉन्टेंट बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छा ही है। और लास्ट का सीन यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वीडियो को एंड तक देखना यार। तो यार यहाँ पर मैं जा रहा था अपने टीममेट को लेने, और एकदम से हमारे ऊपर शॉट्स पड़ने लग जाते हैं। तो पहले मेरे को नहीं पता था कि बंदा कहाँ है, तो मैं यहाँ पर अपने टीममेट का इंतज़ार कर रहा था कि क्या पता वो मेरे पे बैठ के, और हम यहाँ से बस निकलने ही वाले थे। लेकिन एकदम से हमारे ऊपर शॉट्स पड़ते हैं, और तुम्हें पता ही है यार जब शॉट्स पड़ते हैं तो क्या करना होता है, कवर में आना पड़ता है। मैं कवर में आता हूँ, एकदम से मेरे पे शॉट पड़ता है, जिससे मेरी हेल्थ अच्छी खासी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ध्यान भटकाने का काम करता हूँ, और मेरा टीममेट कोशिश करता है कि उस बंदे को किल कर दे, लेकिन हमें उसकी पोजीशन नहीं पता थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। तो पता चलता है मेरा टीममेट नॉक हो चुका है, और एक अच्छा टीममेट होने के नाते ये मेरा धर्म बनता है कि मैं उसे रिवाइव दूँ। तो मैं उसे रिवाइव देने की कोशिश करता हूँ, और रिवाइव दे भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे उस बंदे की पोजीशन नहीं पता थी, अगर वो मेरे पे रश मारता तो शायद हम दोनों को ले जाता। लेकिन ये बात भी है, मैं दो बार लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तीसरी बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने रिवाइव दे दिया, उसने रश नहीं मारा, और मैं बस उसकी पोजीशन ढूंढ रहा था यार, मुझे नहीं पता था। तो उससे पहले क्या पता स्क्वाड में हो, क्योंकि ये स्क्वाड भी स्क्वाड मैच है, स्क्वाड में हो, तो इससे हमारा ये हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि पूरा का पूरा हम हेल्थ बना लें, ठीक है। तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि पूरी की पूरी हेल्थ हो, क्योंकि
अगर एक भी शॉट्स पड़ता है तो हम आराम से नॉक हो जाएंगे, और नॉक होने के बाद अपने टीममेट से भीख मांगना इससे अच्छा पहले ही अच्छे से खेल लेते हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेता हूँ, आराम से इसे किल कर देता हूँ हेड शॉट के साथ। लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, मैं इसको रिवाइव देता हूँ और आगे भी बंदे देखते जाओ बस। तो यार आगे दो बग्गी दिखती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो बग्गी है तो कहीं ना कहीं बंदा भी होगा। और यार देखो यहाँ पर बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है, एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता, पता नहीं ये कितनी बार नॉक होगा, और ये फिनिश भी हो जाता है यार मेरे भाई के कारण। देखो यार मेरी गलती नहीं थी, मैं इसे देना चाहता था, अब देखते जाओ यार क्या होता है इधर। ये मेरी गलती थी कि मैं यहाँ पर हील कर रहा था, कभी मत करो हील यार। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश कर, तो यार इस बंदे को फिनिश करने के बाद मेरा भाई आ जाता है, जिसकी वजह से मैं रिवाइव बटन दबा ही नहीं पाता और ये बंदा फिनिश हो जाता है। तो यार इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हील करते हैं और ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो इससे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं इधर से। तो यार वीडियो अगर क्रैक कर रही हो, मतलब साउंड क्रैक कर रहा हो, तो यार सॉरी यार, क्योंकि यार मेरे पास अच्छा डिवाइस नहीं है यार। देखो गरीबी पे मैं सब्सक्राइबर लूट रहा हूँ, लेकिन यार देखो सच्चाई यही है। तो यहाँ पर एक ऑफलाइन बंदा आराम से लेटा पड़ा था, शायद उम्मीद कर रहा था क्या पता ना कोई उसे देख पाए, तो मुझे आराम से दिखता और मैं उसे हेडशॉट मार देता प्यार से। ये बहुत प्यार से चला गया, मुझे ये सीन सही होता पूरी वीडियो में सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जोन आ रहा था, जल्दी जल्दी निकलता। तो हमारे सामने एक बंदा था, हमारे साइड में एक बंदा था, मतलब बंदे ही बंदे थे। और यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है जिसे मैं बहुत आराम से नॉक करता हूँ, और मेरे साथ देखो क्या सीन होता है। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद मुझे लगा यार 13 किल हो गई है, अब तो मज़ा आएगा, मतलब कोई ना कोई तो सब्सक्राइब कर ही लेगा। लेकिन मेरी किल के साथ अत्याचार किया गया और उसे किल करके मेरा किल चोरी कर लिया गया। तो मैं सोचता हूँ यार किल चोरी हो रहा है, शायद बचा लूँ। और आप सोच रहे हो कि मैं यार लेटा हुआ क्यों, सामने वाले घर में, मतलब यहाँ नहीं मेरे फेस के सामने नहीं, उस साइड पे बंदे थे, जबकि सच बताओ पूरा एक स्क्वाड था। तो मेरे को उन्हें किसी भी तरह नॉक करना था, और यार से बताओ नाक में दम कर दिया था इस पूरे के पूरे स्क्वाड ने, और देखते जाओ यार क्या हुआ। तो यहाँ पे मेरे किल के साथ अत्याचार होता है और मैं यहाँ पर इनको काफ़ी सारा डैमेज देता हूँ। लेकिन फिर भी देखो, अगर आप एक अपार्टमेंट के अंदर हो या फिर आप अगर एक घर के अंदर हो तो आप आराम से अब बच सकते हैं, हील हो सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पूरी टीम है। नॉक होगे भी तो आप आराम से खिड़की के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी टीम है, रिवाइव देने के लिए बहुत सारे बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक गलती, यार सही बताऊँ मेरे से ये गलती हो गई कि मैं साइड से जाने की कोशिश करता हूँ। होता है यार, जब आप गेम खेल रहे हो तो आपको लगता है कि ये करना चाहिए, और फिर बाद में पता चलता है कि ये करना चाहिए था। तो मेरे साथ बिल्कुल यही होता है, मैं एक बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं यहाँ से एक ये वाली गलती करता हूँ कि मैं अपनी एमओ वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट ये वाले गेम प्ले कम से कम 13 या 14 किल का होना चाहिए था, लेकिन मेरी किल चोरी हो जाती है, जिसके कारण मैं आराम से 14 किल का मतलब नहीं बना पाया। जगह बदलो और मारो। यहाँ पर मैं अच्छे बच्चों की तरह लूट रहा था, मतलब यार किल तो चोरी की, अब लूट भी नहीं लूटने दे रहे थे, मेरे पास एमओ बिल्कुल नहीं थी। तो यार मैंने सोचा क्यों ना लूट किया जाए, लेकिन लूट भी नहीं होती है। और मैं जल्दी जल्दी टूटे हुए एरोप्लेन के साथ कवर लेने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक गिली शूट, वो भी प्रॉन होता हुआ, मतलब एक स्नेक दिख जाता है। तो मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, और वो ख़त्म हो भी जाता है, फर्स्ट ट्रायल में नहीं सेकेंड ट्रायल में, लेकिन ख़त्म होने से मतलब है यार, और बस लिखा हुआ आना चाहिए किल हो गया। यहाँ से मैं पूरा बस कवर, पता नहीं कितनी बार कवर ढूंढने के चक्कर में मैं बाउंड्री पे आ गया, मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन फिर भी इस प्रॉन वाले स्नेक को चुपचाप से मैंने लोबी में भेजाया। लेकिन यार देखो एक बात बताना, किस किस को डर लगता है गिली सूट के बंदे को देखकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री पे आ जाता, और यार ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वहाँ पे घर था, मुझे आराम से अंदर आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये गलती कर देता। एक तो एमओ कम पड़ गए, लेकिन जो भी हो ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ कवर में आता हूँ, तो देखते जाओ यार अब क्या हुआ। तो यार बताओ यार कितना मज़ा आया, उड़ते उड़ते हेडशॉट मारा एक ऑफलाइन बंदे, और इसको मारने बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यार याद रखना, कभी भी कोने में मत आओ, मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना। तो देखते जाओ यार अब क्या हुआ। हाँ रुया इसी कर दो। तो सामने तीन बंदे थे और मैं अकेला था, तो तुम्हें क्या मैं जादूगर लगता हूँ क्या, तीन को मैं नहीं संभाल पाया और बस मेरी मौत कुछ ही देर में होने वाली है। यार देखो जोन भी मेरी तरफ नहीं था, ना ही कुछ और था। तो आशा करता हूँ ये वाला गेम प्ले आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना यार, और लाइक कर देना, और एम करता हूँ 136 मिलियन का। अच्छा ठीक है,
10 का लाइक क्लेम करता हूँ और बाय।